एलिस कौशिक ने निभाई अपनी सच्ची दोस्ती। एलिस कौशिक यहाँ पर एक अच्छी दोस्त साबित हुई। एलिस कौशिक ने बढ़ाया यहाँ पर ईशा सिंह का हौसला। क्यों यहाँ पर ईशा सिंह का हुआ बहुत जबरदस्त यहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन। क्यों यहाँ पर ईशा सिंह जो है इस तरह से टूट गई, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले विवियन से भी बात कर रही थी, और क्या कहानी हुई जिसके बाद यहाँ पर एलिस कौशिक ने जो हरकत की है वो लाखों और करोड़ों लोगों का दिल जीतते हुए नजर आने वाली है। क्यों यहाँ पर एलिस कौशिक को स्टार्टिंग में बिग बॉस ने बोल दिया था कि आप एक पोटेंशियल विनर होंगे, आप यहाँ पर टॉप टू होने वाले, ये चीज साबित करके दिखाई है एलिस कौशिक। ऐसा तो क्या हो गया बताते हैं पूरी कहानी दोस्तों। क्यों यहाँ पर ईशा सिंह इतने भयंकर तरीके से रोते हुए नजर आई है बताते हैं दोस्तों, फूट फूट कर रोई है। दरअसल यहाँ पर इस वक्त बिग बॉस के लाइव फीड में घर के अंदर दोस्तों काफी सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग जिम कर रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर जो है वो तैयारी कर रहे हैं टास्क की। टास्क से पहले यहाँ पर चीजें होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टास्क से पहले टास्क के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार हुई। आपको बता दूं कि ईशा तैयार हुई, एलिस तैयार हुई, साथ में ये लोग यहाँ पर जो है मेकअप वगैरह किए, लेकिन उसके बाद अचानक से यहाँ पर एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया ईशा का। पहले तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का खाया, और फिर यहाँ पर जो है वो जहाँ पर गदराज का वहाँ सिस्टम किया गया है दोस्तों, वहाँ पर जो है बैठी जैसे ही वहाँ पर और अविनाश से बात कर रही थी ईशा, तभी यहाँ पर एलिस भी आती और बातचीत करना ये लोग स्टार्ट करते, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो है ईशा का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है, जिसको देख करके यहाँ पर एलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है, क्योंकि दोस्तों सच्ची दोस्ती यहाँ पर जो बोलते हैं दोस्तों वो निभाते हुए नजर आई है। कि अगर एक दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक हो गया है, किसी चीज़ को लेकर के परेशान है, तो उसको यहाँ पर एक किस तरह का कम्फर्ट देना चाहिए वो यहाँ पर एलिस ने करके दिखाया है। वो बोलते हुए नजर आई कि मुझे मालूम है कि तुमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस आंसुओं को रोको, तुम रो तुमको जितना रोना है, बट एक चीज़ तुम यहाँ पर अपने मन में डाल लो कि तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम्हारे लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर तुम अपने फैमिली को मिस कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पर फैमिली बन के रहूँगी, साथ ही साथ यहाँ पर अगर तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास सबसे पहले आऊँगी, कोई वहाँ रहे ना रहे उससे मुझे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 100% रहूँगी। ईशा को ये बात भी बोलते हुए नजर आई कि मैं कल से ही नोटिस कर रही हूँ कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो रहा है तुम्हारा, तुम थोड़ी सी यहाँ पर इमोशनल हो रही हो छोटी छोटी बातों को लेकर के, तुमको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, और अब मैं देखती हूँ अगर तुमको किसी चीज़ को लेकर के चिर हो रही है तो मुझे बताओ, मैं उस बात को करूँगी अभी यहाँ पर। जिसको लेकर के यहाँ पर आपको बता दूँ कि कल से ईशा जो है वो चाहत की कुछ बातों से इरिटेट हो रही है, जिसको लेकर के वो आज सुबह में दोस्तों और हेमा से भी प्रॉब्लम हो रहा है, राशन की चीज़ जो भी है, जिसके बारे में कल वो यहाँ पर विवियन से भी बात कर रही थी, आज सुबह भी बात कर रही थी वो विवियन से, और अभी यहाँ पर एलिस कौशिक उसको यही चीज़ समझाते हुए नजर आ रही है, कोई बात नहीं हम लोग इसका सामना करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर हेमा या फिर कोई भी रहे उससे कैसे डील करना है, तुम्हारे आंखों में बस आंसू नहीं आने चाहिए, तुम इसको बस रोक लो। दोस्तों यहाँ पर एक सच्चे दोस्त का यहाँ पर फर्ज निभाते हुए नजर आई है। आपका क्या रिएक्शन इस पे दोस्तों, आपको कैसी लग रही है एलिस कौशिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट्स के लिए।